क्रिकेट की इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हिंदुस्तान न्यूज 24 और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। घरेलू क्रिकेट सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2019 में झारखंड के विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन का बल्ला खूब धमाल मचा रहा है। जी हां, टूर्नामेंट के पहले मुकाबले में दिल्ली के खिलाफ 0 रन पर आउट होने वाले ईशान किशन ने अगले 2 मैच में ताबड़तोड़ शतक जड़ तहलका मचा दिया है। आज टूर्नामेंट के 3rd राउंड में मणिपुर के खिलाफ किशन ने बेखौफ अंदाज में विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए शानदार शतक जड़ा। किशन ने मात्र 62 गेंद पर 113 रनों की नाबाद पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 12 चौके के साथ 5 शानदार छक्के जड़े। आपको बता दें कि इससे पहले जम्मू कश्मीर के खिलाफ भी किशन ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए शानदार शतक जड़ा था। किशन की इस विस्फोटक पारी को देखकर अब उन्हें भारतीय टीम में शामिल करने की मांग उठने लगी है। आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए खेलने वाले ईशान किशन ने एक बार फिर साबित किया कि वो भारतीय टीम में महेंद्र सिंह धोनी का सबसे अच्छा विकल्प साबित हो सकते हैं। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है, इससे पहले आईपीएल मैचों में भी किशन अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी का जलवा बिखेर चुके हैं। वहीं किशन के बैक टू बैक शतक के बाद विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है, क्योंकि माना जा रहा है ऋषभ पंत भारतीय टीम में असफल हुए तो उनकी जगह ईशान किशन को मौका मिल सकता है। जानकारों की माने तो ईशान किशन विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत से बेहतर बल्लेबाज हैं। काफी लोग किशन को भारतीय टीम में धोनी का वारिस भी मानते हैं। दिलचस्प बात यह है कि धोनी भी झारखंड से और ईशान किशन भी। दोस्तों, ईशान किशन के बारे में आपकी राय क्या है? क्या अब किशन को भारतीय टीम में मौका मिलना चाहिए या नहीं? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।